अगर आपको किसी हिंदुस्तानी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो क्या आप उसकी मोहब्बत में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे? तब भी कर जाऊंगी क्योंकि ये मोहब्बत चीज ऐसी है, खुद भी प्यारे होते हैं, इंडिया है भी प्यारा। अच्छा, इंडियन क्योंकि मेरे हस्बैंड आधे इंडियन हैं और आधे पाकिस्तानी हैं। वो कैसे? उनके डैड भोपाल से हैं और उनकी अम्मी कराची से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें अच्छे मिले हस्बैंड इंडियन। से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए तो कैसे रिएक्ट करोगी? अगर वो शादी के लिए तैयार हो? यस, मैं तो भाग के शादी कर लूंगी। वो मेरे लिए भाग के शादी करने को तैयार हो जाएंगी अगर वो मेरी सोच के साथ मैच करता है तो। लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट करता हूँ, एजुकेटेड हो, बस इंडियन से शादी करूंगी। और इंडिया में जो है ना टैलेंट को बहुत ज्यादा आगे किया जाता है, तो मेरे अंदर तो टैलेंट है भी, मैं इंडियन से शादी करके फिर वहाँ पे जाके अपने टैलेंट को आगे लेके जाऊँ। नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा मजेदार सा वीडियो लेकर आई हूँ, खास करके मेरे चैनल पे जो ऑडियंस में बॉयज हैं, जो लड़के लोग हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों के फेवर में कोई वीडियो होगा, तभी मैं इस तरह से बोल रही हूँ। और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि वीडियो क्या है। तो कुछ काफी और लड़कियों से पूछा गया है कि इंडियन लड़का उनको पसंद है या पाकिस्तानी लड़के से ही वो शादी करेंगे, मतलब वो इंडियन लड़के से शादी करना पसंद करेंगी या नहीं करेंगी, और उनको मतलब लड़के में क्या चीज चाहिए, लड़के के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए या प्यार इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। दो तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडियन लड़के से रिलेटेड। तो देखते हैं, मतलब ओवरऑल लड़कियां यही बोल रही हैं कि वो इंडियन लड़के से भाग के शादी करना चाहेंगी, इंडियन लड़के को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत लड़कियों के नखरे होते हैं, तो वो हमारी इंडियन लड़कियों के भी नखरे हैं, लड़कियों के नखरे होते ही हैं, ये उनका राइट्स है कि उनको नखरे दिखाने ही होते हैं, क्योंकि उनको नखरे, जब तक वो नखरे नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों को अटेंशन नहीं मिलेगा, और अटेंशन नहीं मिलेगा तो बात थोड़ी फीकी फीकी सी रह जाती है। तो लड़कों को भी अटेंशन देने, मतलब लेने का पूरा राइट है, लड़कियों को भी अटेंशन देना चाहिए, लड़कों को इक्वली होना चाहिए सब कुछ। तो लड़कियों से पूछा गया है कि उन लोग को इंडियन लड़के पसंद है, वो शादी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो उसी के ऊपर बात हुई हुई है। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इंडियन क्योंकि मेरे हस्बैंड आधे इंडियन हैं और आधे पाकिस्तानी हैं। वो कैसे? उनके डैड भोपाल से हैं और उनकी अम्मी कराची से हैं। इंडियन, इंडियन सबसे, पाकिस्तानी से सबसे करीब, जैसे लुक्स में। मुझे बताएं, लड़कियां पैसे पे मरती हैं या लुक्स पे? आजकल तो पैसे पे मरती हैं, पैसों पे मरती हैं, लुक्स पे भी मरती हैं, पैसे भी मरती हैं। तो बेचारे जो दिल के अच्छे होते हैं वो क्या करें, उनका क्या कसूर है? हमारे तो दिल के भी अच्छे हैं, लुक्स के भी अच्छे हैं, पैसे के भी अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें अच्छे मिले हस्बैंड। इंडियन क्योंकि वो पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो इसलिए। पैसा, पैसा बहुत है एक तो उनके पास, और एक तो उनके पास टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, ठीक है। अगर आपको एकदम से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए तो कैसे रिएक्ट करोगी? अगर वो आपके लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो आप शादी के लिए तैयार हो? यस, मैं तो भाग के शादी कर लूंगी, वो मेरे लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है। यानी अगर लड़का इनके लिए इस्लाम कबूल करता है तो ये भाग के शादी करने को तैयार हो जाएंगी? अगर वो मेरी सोच के साथ मैच करता है, थोड़ा लिबरल होगा, थोड़ा मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग मैच करेगी, तो मेरी तरफ से हाँ होगा। अगर उनमें से कोई अच्छा निकल आता है, लाइक उसको कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मोहब्बत हो जाती है मेरे से, और वो कुछ ड्रामेटिक सा कहता है मेरे लिए, फिल्मी सा, तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ इस बारे में। लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप रख के देखूंगी कि यार उसे बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो फिर प्रपोजल के लिए हाँ, इतनी जल्दी हाँ नहीं। थोड़े नखरे दिखाएंगी? हाँ, नखरे दिखाना तो बनता है, मतलब इंडिया से आया है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ तो बनता है ना। डिपेंड करता है वैसे लड़का कौन है, लेकिन अगर मेयार पे पूरा ना उतरा तो इनकार इनकार इनकार। मेयार क्या है आपका? मेयार कुछ ऐसा है जो एट वंस नहीं पता चल सकता, आप टाइम स्पेंड करते हो साथ तो ही पता चलता है। लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट करता हो, एजुकेटेड हो, बस। इंडियन से शादी करूंगी। और इंडिया में जो है ना टैलेंट को बहुत ज्यादा आगे किया जाता है, तो मेरे अंदर तो टैलेंट है भी, मैं इंडियन से शादी करके फिर वहाँ पे जाके अपने टैलेंट को आगे लेके जाऊँ। इंडिया में हो सकता है, तो वहाँ पे काफी ब्यूटी है and people over there are really smart, good looking as well. हाँ, सोचे जा सकते हो यार, अगर कोई रिश्ता अच्छा है तो प्लीज़ इनके कमेंट में बता दो या मेरे वाले कमेंट्स में आके बता दो। तो इंडिया वाले लगता है काफ़ी रिश्ता आने वाले हैं इसके बाद, देखते हैं, लेट्स सी, मैं बताऊँगी आपको। आपको इंडियन बॉयज़ पसंद है? हाँ, अच्छे लगते हैं, क्यों नहीं। क्या अच्छी बात है इंडियन बॉयज़ में, क्या अच्छा लगता है? प्यारे होते हैं, जाहिर सी बात है, इंडिया वाले भी प्यारे होते हैं, इंडिया है भी प्यारा। अच्छा, अगर आपको किसी
हिंदुस्तानी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो क्या आप किस उसकी मोहब्बत में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगी? तब भी कर जाऊंगी क्योंकि ये मोहब्बत चीज ऐसी है, खुद को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तानी लड़के डरपोक होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते भी हैं, अच्छे लगते हैं। कितने अच्छे लगते हैं? 50% क्योंकि 50 जाहिर सी बात है, आप इंडिया तो जाने से रहे। अगर आपको किसी हिंदुस्तानी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो क्या उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करेंगे आप? अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मिलना ही है तो हम लोग दुबई जा सकते हैं, दुबई की टिकट लेके उसका भी वहाँ पे, वो भी इंडिया वाले भी आ सकते हैं, पाकिस्तान वाले भी, वहाँ जाके शादी करके फिर इंडिया जाओ या पाकिस्तान। और बड़ा अच्छा प्लान बना के रखा है, पहले क्यों नहीं मिली तुम? नहीं वैसे आइडिया है ना, मतलब ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके इतनी मुश्किलों में क्यों पड़ना है? देख रहे हो तुम लोग, मतलब कि क्या ही चल रहा है पाकिस्तान की लड़कियों के दिलों में, हलचल मचा रखी है तुम लोगों ने, क्या क्या कर रहे हो तुम? तो आप लोगों ने सुना और आई नो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा कि भाई क्या ही चल रहा है पाकिस्तान में, लड़कियों पे तो पूरा ही अपना परछावा डाला हुआ है कि भाई इंडियन लड़का से ऑफर करेगा तो मतलब ऑफर करना पड़ेगा, बट वो लड़कियां ऑफर नहीं करेंगी। देखो लड़कियां बहुत ही कम होती हैं जो ऑफर कर देती हैं सामने से आके, तो बाकी तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को लड़कियां पाकिस्तान की लड़कियां पसंद है या अपने इंडिया की लड़कियां पसंद है। एंड आई नो तुमको इंडिया की ही लड़कियां पसंद होंगी क्योंकि इंडिया की लड़कियां कहीं से कम नहीं है, किसी भी कंट्री से कम नहीं है, सबसे बेस्ट होती है इंडियन गर्ल्स। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को देखने को मिला कि कैसे कैसे प्लानिंग भी कर रखी है उन लोगों ने कि भाई शादी करेंगे तो दुबई जाके शादी कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा तो काफी रिस्की से काम है, मतलब क्यों झंझट ही पालने हैं, बिना मतलब के केसेस हो जाने हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग जाने हैं। तो इससे अच्छा ये है कि इंडिया का लड़का भी दुबई आ जाए और मैं भी दुबई चली जाऊँ और हम दोनों वहां पर जाकर शादी कर लें, मतलब वो वहां की लड़कियां कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, तो पाकिस्तान की लड़कियां बोल रही है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा इन लोगों का ये प्लान, और आप लोगों में से किसी का ऐसा कोई इरादा हो तो ट्राई करते रहिए, ट्राई करने वालों को मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो लगे रहिए, जहाँ पे भी आपका दिल लगता है वहाँ पर आप दिल लगाइए और ऐसे ही हमें भी सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो आते रहिए हमारे चैनल पर और वीडियोस को देखते रहिए। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग पहली बार आए हो या जिन्होंने जो दोबारा भी आए हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आती हूँ यार, आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं, और आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं देते हो, ये तो गलत बात होती है कि एक सब्सक्राइब तो देना बनता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो ध्यान रखिए अपना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।